हेलो फ्रेंड्स, सिंपल एंड स्वादिष्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जल्द बनने वाला लाजवाब क्रिस्पी नाश्ता लेकर के आई हूँ, वो भी बहुत ही कम ऑयल में। ये नाश्ता इडली डोसा के बचे हुए बैटर से बनाऊंगी। तो आपका जब भी इडली या डोसा बनाने के बाद बैटर बच जाता है तो आप ये नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये इडली के बैटर से नाश्ता बनाना। तो ये बचा हुआ इडली का बैटर है, इसमें ये हम शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च को हम बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लेंगे, ये डाल देंगे इसमें। तो ये एक शिमला मिर्च है, और इसी तरीके से मैंने बारीक बारीक प्याज भी काट लिया था, उसको भी डाल देंगे। और ये मैंने एक गाजर लिया था, इसको भी बारीक काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। और एक इंच अदरक को कद्दूकस कर लेंगे, उसको भी डाल देंगे इसी में। ये दो हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसको भी डाल देंगे। तो हरी मिर्च डालने से ये बहुत ही चटपटा हो जाएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें डालने के बाद इसको हम चला देंगे कि जिससे कि ये बैटर में सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ये नाश्ता जरूर बनाइएगा। इस बैटर से मैं अप्पे बनाऊंगी। तो अप्पे बनने के लिए बैटर रेडी है, तो अब चलिए अप्पे बनाना शुरू करते हैं। तो अभी ये बैटर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, अभी इसमें मैं एक तड़का लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक चमचा गैस में गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसमें ये एक चम्मच ऑयल डालेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मस्टर्ड सीड डाल देंगे। तो ये एक चम्मच मस्टर्ड सीड है, ये डाल देंगे, और एक चुटकी हींग डाल देंगे, और 6 से 7 करी लीव्स डाल देंगे इसमें। और ये तड़का हम इस बैटर में डाल देंगे, और तड़का डालने के बाद इसको हम थोड़ा चला देंगे। तो देखिए, ये बैटर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। तो इस बैटर से मैं अप्पे बनाऊंगी। तो अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक अप्पे मेकर लेना है, और अप्पे मेकर को गैस में गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इस अप्पे मेकर में हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो सारे खांचे में मैंने ये ऑयल डाल लिया है, और अप्पे मेकर भी गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम ये एक एक चम्मच बैटर सभी में डालते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं किनारे से डालूंगी, क्योंकि बीच वाला अप्पे जल्दी बनके रेडी होता है, वो जलने लग जाता है। तो एक एक चम्मच हम बैटर सारे खांचे में डाल देंगे। हमें बैटर इतना ही डालना जितना इस खांचे में आ पाए, और ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हम ढक करके लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो अभी देखिए 2 मिनट हो गया है, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो अब हम ये अप्पे को हम पलट देंगे, जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए। तो ये देखिए, ये बीच वाली में आंच नीचे ज्यादा लगती है, इसलिए वो जल्दी बनके रेडी होते हैं। अब इनको ढक करके हम दूसरी तरफ से पका लेंगे। और ये देखिए, अप्पे बनके रेडी हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरीके से मैं दूसरे भी अप्पे रेडी कर लेती हूँ। लीजिए तैयार हैं ये गर्मा गर्म अप्पे, इनको आप शाम के चाय के साथ एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।